हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमर वाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डाटा इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं कि डाटा क्या है, डाटा की नीड क्या है, क्यों डाटा कलेक्ट करा जाता है, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, उसके बाद क्या क्या सोर्सेस हैं डाटा के, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहली चीज़, इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो, इस चैप्टर की जो वीडियो है वो दो पार्ट में होगी। पहले पार्ट में हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में हम कुछ टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को समझेंगे। तो धीरे धीरे अगर हम समझते रहे तो सही रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो जैसे कि आप देख चुके होंगे कि ये हमारा टॉपिक है डाटा इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन। तो जैसे कि आप टॉपिक को देख रहे होंगे कि सोर्स, इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन, तो सोर्स हम कहाँ से डाटा को पाते हैं, ठीक है, कहाँ से हमें डाटा मिलता है, उसके बाद हम डाटा को कैसे कंपाइल करते हैं, उसके इन दोनों चीजें के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आज हम इस पहले पार्ट में हम डाटा की डेफिनेशंस कवर करेंगे और सोर्सेस हम कवर करेंगे। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डाटा, ठीक है, डाटा क्या है। अब प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज डाटा, डिफाइन डाटा, तो आप क्या लिखेंगे कि नंबर दैट रिप्रेजेंट मेजरमेंट्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, ठीक है। डाटा क्या है, डाटा एक नंबर है, ठीक है। हम कभी भी किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डाटा क्या है, डाटा नंबर्स दैट रिप्रेजेंट मेजरमेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट, फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्रीकल्चर फील्ड में जितने भी क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जा रहे हैं उनका हम मेजरमेंट करते हैं, तो हम उसको नंबर्स में लिखते हैं, वही नंबर हमारे लिए डाटा होगा। सेक्स रेशियो हो गया, पॉपुलेशन हो गई, हम ये सारी चीज़ें नंबर में लिखते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, डाटा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन क्या है, ईदर अ मीनिंग आंसर टू अ क्वेरी और अ मीनिंग स्टिमुलस दैट कैन कैस्केड इनटू फर्दर क्वेरीज। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी चीज़ की मीनिंग का नहीं पता, हमें किसी चीज़ की मीनिंग नहीं पता, ऐसा कोई वर्ड है हमारे सामने इसकी मीनिंग हमें नहीं पता, तो हम उसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसको ही हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो हमें मीनिंग मिलती है उसको भी हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो क्वेरी, जो क्वेरी, जो हमारी जो क्वेरी होती है, जैसे हमारे पास कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी जो हमें नहीं पता हो, उसकी वही मीनिंग हम क्या कह सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये डाटा से कैसे इंटररिलेटेड है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ का डाटा हमें पता नहीं होता है पहले से, हम उसको किसी भी बुक में सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो सर्च करने से हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नीड ऑफ डाटा, डाटा की नीड क्यों है, हम डाटा को क्यों कलेक्ट करते हैं, क्यों हमें जानना ज़रूरी है डाटा को, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहली चीज़ तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, ठीक है। हम ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ एंड डेंसिटी, हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी उसमें। तो उसमें हमने क्या पढ़े थे, डाटास पढ़े थे, सेक्स रेशियो का डाटा पढ़ा था, लिटरेसी रेट का डाटा पढ़ा था, सारी चीज़ का डाटा हमने पढ़ा था। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है यहाँ पर, के डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ किस चीज़ की, किस परस्पेक्टिव में अगर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका देखते हैं, सेक्स रेशियो का, ठीक है, सेक्स रेशियो हो गया हमारा, लिटरेसी रेट हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, इन सब का हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ के लिए हम डाटा कलेक्ट करना जरूरी है,
ठीक है, पहली चीज तो यहां पर हमने देख ली। उसके बाद डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स कल टूल्स का हम यूज करते हैं, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है। हम डाटा की मदद से क्या करते हैं, स्टैटिकल टूल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको टेबल में बनाकर, टेबल फॉर्म में बनाकर, उसमें फॉर्मूलेज लगाकर हम उससे किसी भी चीज की वैल्यू पता कर सकते हैं। तीसरी चीज यहां पर आ जाती है हमारे पास कि एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज्यादा यूज है, यूज इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में कैसे यूज है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्रॉप है, ठीक है, एनी क्रॉप, वी टेक एनी क्रॉप लाइक वीट ले लिया हमने, ठीक है, वीट हमने कोई भी क्रॉप ले ली है, कोई भी एक्स वाई जेड हम कोई भी क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। अब क्रॉप में क्या हो गया, हम क्या चीज फाइंड करेंगे, किस चीज का डाटा फाइंड करेंगे। देखो क्रॉप में हम मेनली क्या फाइंड करते हैं, रेनफॉल, कि उस क्रॉप के वीट के लिए कितनी रेनफॉल होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं उसमें, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। इसके बाद हम और क्या क्या चीज फाइंड करते हैं इसमें, ठीक है। तो तीसरी चीज हो गया हमारा रेनफॉल ही काफी नहीं होगी, इरिगेशन भी चाहिए होगी, तो इरिगेशन। इसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। अब इन सारी चीज का हम क्या बनाते हैं, डाटा बनाते हैं, और फिर डाटा की मदद से हम क्या करते हैं, क्रॉप्स में जो ग्रोथ होती है, क्रॉप्स मैंने बोला था यहाँ पे डेंसिटी एंड ग्रोथ, तो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए हम इन डाटा को कलेक्ट करते हैं कि हाँ अब इस साल इतनी फसल अच्छी होगी तो किस वजह से होगी, क्या उसमें रेनफॉल का ज्यादा यूज था, या उसमें फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज था, या फिर टेम्परेचर का ज्यादा यूज था, किस चीज का ज्यादा यूज था, उसके ऊपर हम फिर आगे चर्चा करते हैं। इसमें चौथी चीज जो आती है हमारी, वो आती है किस चीज पर, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, हम ये वाले पॉइंट्स भी यहां से उठा के यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ किसका, हमने सबसे पहले क्रॉप का पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, इन सारी चीज के लिए भी हम नीड ऑफ डाटा, डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपको समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब अगला आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। अब डाटा को प्रेजेंट कैसे करा जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक चीज ले लें कि ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं हम, एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है, एनीथिंग। हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में जितनी भी सारी चीजें पढ़ी उनमें से हम कोई सा भी एक फिनोमेना ले सकते हैं, ठीक है। अब इस फिनोमेना को अगर हम कह दें कि हमारे शहर में गाड़ियों की बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन के जितने भी साधन है वो अच्छे हैं, एग्रीकल्चर में जितने भी फूड क्रॉप्स उग रहे हैं वो उनकी ग्रोथ अच्छी है, हम ये ऐसे ही कह देते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव फॉर्म में कह देते हैं, क्वालिटेटिव फॉर्म में हम कह देते हैं, ठीक है, ऐसे ही बोल दिया हमने कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, एग्रीकल्चर में जो फूड क्रॉप उग रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। अब क्वालिटेटिव फॉर्म से जब हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में आते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में कब आते हैं हम, क्वांटिटेटिव फॉर्म में जब आते हैं जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जब हम डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जब डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है जब हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में आते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है जिसको हम स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेज बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बोल सकते हैं, उनका यूज करते हैं हम जब हम डाटा को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वी क्लासीफाई,
तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस जो होता है, जो हमारा पहले डाटा को हमने कलेक्ट करा, फिर क्लासिफाई करा, ठीक है, फिर उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए हमने, स्टैटिस्टिकल टूल्स टूल्स हमने यूज करे, तो ये सारी जो जो हमारे जो ये चीजें करते हैं हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में, क्वालिटेटिव फॉर्म से क्वांटिटेटिव फॉर्म में जब हम करते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम, जब भी आपके प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा उसमें आप इसको ऐसे डिफाइन करके लिख सकते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है सोर्सेज ऑफ डाटा, ठीक है। कितने सोर्स होते हैं डाटा के, तो सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी सोर्स, देन देयर इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो इन दोनों को हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल में आना है, जो मेन थिंग है जो आ सकता है क्वेश्चन में, कि डिफाइन द सोर्सेज ऑफ डाटा, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ डाटा, ठीक है, ब्रीफली भी आ सकता है, डिटेल क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनर दे सकता है। तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा में अगर हम आते हैं तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है, ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा ये हमारी होगी, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम by any individual or the group of individual, institution or organization, ठीक है। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा किसके द्वारा कलेक्ट करा जाता है, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, इंडिविजुअल किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कलेक्ट करा जाता है, ठीक है। ये कलेक्ट करा गया, अभी रॉ फॉर्म में है ये, ठीक है, जो डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा गया हो, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, जब अभी किसी ने भी कलेक्ट नहीं करा हो, फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइमरी डाटा में आपको ये अगर लिख देंगे आप तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंडरी डाटा की तरफ। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा आर द सोर्स ऑफ डाटा दैट आर कलेक्टेड फ्रॉम एनी पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। ये डाटा किसी पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड सोर्स से कलेक्ट करा जाता है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी डाटा जो कलेक्ट करा जाता है किसी भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जब वो पब्लिश कर दिया जाता है पब्लिकली, तब उस डाटा को रखते हुए हम क्या बनाते हैं, सेकेंडरी डाटा बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे सेकेंडरी डाटा की हो गई। अब हम इसको थोड़ा इन दोनों को हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने प्राइमरी डाटा के कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में हैं, उनको हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन किसी भी इंडिविजुअल द्वारा, किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा ऐसे ही देखकर ऑब्जर्वेशन की जाती है किसी भी फील्ड की, ठीक है, चाहे वो फिर किसी भी चीज की हो, चाहे वो फिर सेक्स रेशियो की हो, लिटरेसी की हो, लिटरेसी रेट की हो, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा ये सारी ऑब्जर्वेशन या इंडिविजुअल द्वारा सिर्फ देखकर ही ऐसे ही की जाती है, उस डाटा को कलेक्ट करते हैं उसको, वो कौन सा सोर्स होता है हमारा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू होता है हमारा किसी भी हम कन्वर्सेशन या डायलॉग्स कन्वर्सेशन और डायलॉग्स के द्वारा हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं किसी से, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है उस इंफॉर्मेशन को हम डाटा में कलेक्ट करते हैं, डाटा जो हमें वहां से मिलता है उसको हम क्या करते हैं, इंटरव्यू सोर्स
से कलेक्ट करा हुआ डाटा मानते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन आयर और शेड्यूल। क्वेश्चन आयर और शेड्यूल में हम क्या करते हैं, एक पेपर पर या फिर एक किसी भी बुकलेट में हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, वी मेक द क्वेश्चंस एंड देयर वी मेक द ऑप्शंस। ठीक है, देयर वी मेक द ऑप्शंस एंड द क्वेश्चंस। अब इसमें करना क्या रहता है, जो इंडिविजुअल से हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ेगा और ऑप्शन दिए होंगे उन ऑप्शन में टिक करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें डाटा की समझ होगी कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाउस होल्ड इनकम में जाते हैं तो यहाँ पर अगर हमने लिख दिया किसी हाउस होल्ड इनकम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया 10,000 to 50,000, ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया 50,000 to 1 lakh, ठीक है, इधर पे लिख दिया 1 lakh to 2 lakh, तो यहाँ पर जिसकी अगर 10,000 to 50,000 के बीच में कोई की इनकम होगी तो वो वहां पर टिक लगाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फैमिली की सैलरी का हम डाटा निकाल सकते हैं। अदर मेथड्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं फील्ड सर्वे। ठीक है, जो बहुत सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा क्या कराए जाते हैं, फील्ड सर्वे कराए जाते हैं, जिनमें क्या होता है कि बहुत से इंडिविजुअल्स अलग अलग घर पर जाकर वहां से देखते हैं और उस चीज को वहां से नोट डाउन करते हैं, वहां से सर्वे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अदर मेथड्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, जैसे कि आप इसका वर्ड समझ गए होंगे कि सेकेंडरी कैसे, मतलब कि प्राइमरी से हमने कलेक्ट करके सेकेंडरी में पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आता है हमारा पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स। ठीक है, तो पब्लिश्ड क्या है, पब्लिश्ड वो है कि जो पब्लिकली जो हर पीपल को पता चलता है, कंट्री के हर इंडिविजुअल को जो चीज पता चलनी चाहिए वो होता है हमारा पब्लिश सोर्स ऑफ डाटा। और अनपब्लिश सोर्स ऑफ डाटा वो होता है कि जो हम खुद क्या बोलते उसको सर्च करें, वो डाटा हमारा कौन सा हो जाता है, अनपब्लिश सोर्स ऑफ डाटा। अब इसको समझने का एक सही तरीका ये है कि हम इनकी फॉर्म्स को समझें। ठीक है, फॉर्म्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सोर्सेस कैसे होते हैं, क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सी गवर्नमेंट होती हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होती हैं या फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी एक बुक इशू करती हैं जिसमें क्या करती हैं, उस स्टेट की या एक इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट की उसमें रिपोर्ट होती है कि इस साल कितना डेवलपमेंट हुआ है या कितनी ग्रोथ हुई है, उसके साथ साथ पूरा डाटा दिया होता है। इसके बाद आता है हमारा क्वासी गवर्नमेंट। क्वासी गवर्नमेंट का मतलब होता है सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट हम इसे कह सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि उससे भी थोड़े छोटे लेवल की, जी गवर्नमेंट हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी रिपोर्ट निकालती है जो पब्लिकली इशू की जाती है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया हमारा, या फिर और दूसरी भी जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसको हम जिला परिषद कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ये सारी जो रिपोर्ट्स निकालते हैं वो क्वासी गवर्नमेंट कहलाती है। इसके बाद होती है हमारी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं, अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल में तो हमारी यूनेस्को जो हो गई, हमारी यूनेस्को। ठीक है, इसके बाद यूएनडीपी, आपने इसको ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यूएनडीपी यूनेस्को हो गया हमारा। उसके बाद फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एफएओ। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, ये हर कंट्री की अलग अलग निकालती हैं रिपोर्ट्स। ठीक है, हर कंट्री की अलग अलग, जितने भी यूएनडीपी हो गई हमारी, तो ये सारी हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट निकालती है, यूनेस्को हो गई। इसके बारे में कि एग्रीकल्चर में क्या डाटा है, वो सारी एफएओआर निकालती है। उसके बाद हमारी आ जाती है प्राइवेट। प्राइवेट में अगर हम देखते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, वो क्या करती है अपनी वेबसाइट्स पर, वेबसाइट्स के द्वारा, ठीक है, ब्लॉग्स के द्वारा वो क्या करती हैं, इस डाटा को इशू करती हैं। ठीक है, वेबसाइट्स के द्वारा।
अगली चीज आता है हमारी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो होती है, न्यूज़पेपर कंपनीज जो होती हैं, वो सारा डाटा अपने न्यूज़पेपर्स में निकालती हैं पब्लिकली, जो पब्लिक को पता चलना चाहिए, ठीक है। इसके द्वारा आपको पता चलेगा कि पब्लिश डाटा क्या होता है। अगला आता है हमारा अनपब्लिश डाटा। अनपब्लिश डाटा में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट भी आती है। गवर्नमेंट में अगर हम कैसे देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी खुद की एक फाइल बनाते हैं जो गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करती है, ठीक है। उस फाइल में सारा डाटा टेबल्स बाय टेबल्स लिखा हुआ होता है, और उन डाटा को हाँ, जो न्यूज़ जो मीडिया होती है वो उसको जाके देख सकती है, या बहुत से जो जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं वो उसको जाके उस डाटा को उनसे ले सकते हैं, ठीक है। ये अनपब्लिश डाटा होता है, इसको भी गवर्नमेंट यूज करती है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद क्वासी गवर्नमेंट में भी जो स्टेट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो छोटे छोटे जो ऑफिसर्स होते हैं, जिसको हम अगर हम कह सकें तो पटवारी जो हुआ, पटवारी क्या करता है, जो रिपोर्ट बनाता है लैंड रेवेन्यू की, उस लैंड रेवेन्यू से जो जितना भी कलेक्शन हुआ उसके बारे में हम इससे जानकारी ले सकते हैं, डाटा ले सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो क्या करती हैं, इनका डाटा कलेक्ट कर कर प्राइवेटली इशू करती हैं अपनी वेबसाइट्स पर या कहीं पर भी, तो इनकी भी गवर्नमेंट मदद लेती है डाटा कलेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों समझ लिए, सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा। इसके बाद हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इससे कुछ भी रिलेटेड डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं मुझसे कमेंट के द्वारा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।